नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खड़ी खड़ी मेरे और शर्मिता सुजन जी के साथ। सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो अपनी बातें रखी उसको आप लोगों ने सुना, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से विपक्ष ने आज वॉकआउट किया, यानी संसद सत्र इस बार हंगामेदार, शुरुआत ही इतनी हंगामेदार रही, और आगे इसका क्या होगा ये अब देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कल से लेकर आज तक लगातार मोदी जी के जो भाषण हुए, बल्कि परसों भी जिस तरह से उन्होंने जो सारी बातें कही उसमें समझ में आ गया कि सरकार का रवैया क्या रहने वाला है, किस तरह से विपक्ष को वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और लगातार जो जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है उन मुद्दों से बचने की कोशिश मोदी करते नजर आए, कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में, और ये लगातार चलेगा। क्योंकि सत्ता पक्ष अभी भी इस बात को नहीं मान रहा है कि वो संविधान के हिसाब से काम करेगा या लोकतंत्र की मर्यादा के हिसाब से चलेगा। उसे ये लग रहा है कि उसे तीसरी बार सत्ता में बैठने का मौका मिलेगा, तो उसकी मनमानी पहले की तरह चलती रहेगी। लेकिन अब विपक्ष मजबूत हो गया है और इस मजबूती का परिचय राहुल गांधी ने परसों दे दिया था, जब उन्होंने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना पहला भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने जो बातें उठाई थी उस पर खड़े होकर जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके बाकी लोगों को जिस तरह से बचाव में उतरना पड़ा था, जिस तरह खड़गे जी ने राज्यसभा में घेर लिया था सत्ता पक्ष को, उसके बाद ये समझ में आ गया था कि अब सरकार के लिए राहें मुश्किल होने वाली हैं, और पीएम मोदी कल और आज इसी का बचाव करते हुए दिखे। आज भी उन्होंने जो तमाम बातें कही उस पर केवल विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश की, और उसके अलावा संविधान से लेकर मणिपुर और नीट तक उन्होंने जितनी भी बातें बोली उसमें सच कितना है और कितना कुछ लाग लपेट है ये भी अब दर्शकों को, यानी आप लोगों को और जनता को समझ में आ ही जाएगा। तो क्या कुछ हो रहा है संसद में, क्या कुछ हुआ इन दो तीन दिनों में, और क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, किस तरह से ये सरकार काम करती दिख रही है, किस तरह से अभी से सरकार और विपक्ष के बीच एक जो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है, आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, क्या कुछ होने वाला है इसी पर हम चर्चा करेंगे। अमरेंद्र जी, आपके पास आना चाहती हूँ कि आज जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और विपक्ष ने इस बीच राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, ऐसा मतलब पिछले बार जब हुआ था लोकसभा में इसी तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया था, जब बार बार मांग की जा रही थी प्रधानमंत्री से कि आप मणिपुर पर कुछ बोलिए, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दो तीन लाइनें बोली, लेकिन विपक्ष को ये लगा कि प्रधानमंत्री उन बातों पर, उन मुद्दों पर बोलने से बच रहे हैं, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट करके अपना विरोध जताया। आज भी, यानी जब मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौट आई है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि अभी तो 20 साल उनको और रहना है, मतलब वो एक तिहाई सरकार का जो जवाब दे रहे हैं कि 10 साल हुए अभी 20 साल और रहना है, अलोकतांत्रिक बात कि हम 50 साल राज करेंगे, अभी से मोदी जी कह रहे हैं। और इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से वो मणिपुर में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने आज ये कहा कि मणिपुर में हमने अभी कितने हजार से ज्यादा FIR हो गई हैं और 5,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये सारी बातें वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मणिपुर में किस तरह शांति के लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एक बार भी मोदी जी ये नहीं बता सकते कि वो मणिपुर गए क्यों नहीं अभी तक, साल भर से ऊपर हो गया, एक बार भी वो जाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए हैं, इस बात को वो नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, संविधान को लेकर उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से घेरने की कोशिश की, और उन्होंने जो कुछ ये बताया, इन्हें आपातकाल का जिक्र तो वो पहले दिन से ही कर रहे हैं, संसद सत्र के पहले दिन से आपातकाल को ही लेकर चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी वो और आगे भी भुनाएंगे, क्योंकि अभी उनको एक ही मुद्दा हाथ लगा हुआ है कि इस मुद्दे पर हम घेरते जाएं और किसी तरह कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करें। एक तरीके से बीजेपी की और संघ की पोल खोल कर रख दी, और ये कहूं कि मोदी जी की पोल खोल के रख दी तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी लगातार और उनके नेतृत्व में बाकी बीजेपी के लोग भी कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान को उसका अपमान कर रहे हैं। आज सभापति जी ने भी यही कहा कि आप ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, मतलब आप गलत कर रहे हैं, इस तरीके से आप राज्यसभा से वॉकआउट करना गलत है। उसके पहले कल मुझे मनोज तिवारी का भाषण याद आता है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम तो वो लोग हैं जो संविधान को माथे से लगाकर रखते हैं, क्योंकि कल जो पहले दिन जब वो संसदीय दल की बैठक हुई थी NDA की, तो मोदी जी आए थे और उन्होंने वहां पर पुराने संसद भवन में संविधान की प्रति को सिर माथे से लगाया था। तो मनोज तिवारी उसी का जिक्र करते हुए कह रहे थे, हम तो वो लोग हैं जो संविधान को सिर माथे से लगा के रखते हैं और ये लोग संविधान को लहराते हैं, मतलब जो राहुल गांधी इस तरह से अपने हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हैं उसको उन्होंने लहराना बताया था। तो ये कुछ वैसे ही बात है कि जैसे महिलाओं को देवी का दर्जा तो दे दो, लेकिन उसको बराबरी का दर्जा मत दो, मतलब हम तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उसी में खुश रहो,
लेकिन बाकी जो है उससे बराबरी की उम्मीद मत करो या इससे ज्यादा इंसाफ। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। उम्मीद मत करो, ये कुछ वैसी ही सोच जो लग गई मुझे बीजेपी की कल मनोज तिवारी के भाषण से। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी जो बार बार संविधान को लेकर जिस तरह से इंदिरा गांधी पर हमलावर हैं, क्योंकि आपातकाल उन्होंने लगाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल संविधान के नियमों के हिसाब से आकर ही लगाया था। अगर वो उस समय वो कदम नहीं उठाती तो पता नहीं देश में किस तरह की अराजकता फैलती। इस चीज का उनको उस समय जो सही लगा, और बाद में जब उन्हें ये लगा कि इससे जो ज्यादतियां हुई उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, जनता ने भी उनको एक बार हरा कर लेकिन उसके बाद 1980 में वापस जिता कर ये बता दिया कि ठीक है, जो भी कुछ उन्होंने अगर गलत किया तो उसके लिए उन्होंने जनता ने उसको माफ कर दिया। आज 50 साल बाद उस पुरानी चीज को बार बार निकालना यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी, आखिर इस कोशिश के मायने क्या है और क्यों संविधान को लेकर इतना बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं मोदी? क्या उनको ये लग रहा है कि जनता को भी ये समझ में आ गया है कि वाकई इस देश के संविधान को अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो संघ है, संघ की सोच से चलने वाली बीजेपी है? क्योंकि अभी खड़गे जी ने जो कुछ बताया ऑर्गेनाइजर में तो बाकायदा ये छपा हुआ है, 1950 में बाकायदा ये चीज छपी हुई है और ये संघ का ही दफ्तर था नागपुर में, जहां पर मुख्यालय जहां पर तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था। तो क्या कुछ कहेंगे हम लिंदु जी, क्या बीजेपी और मोदी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं? निश्चित तौर पर समित्रा जी, मोदी लगातार बचाव की मुद्रा में, हालांकि वो अटैकिंग मुद्रा में आने का प्रयासन जरूर करते हैं कि शायद वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो हैं लगातार बचाव की मुद्रा में ही। और खड़गे जी जब सवाल उठा रहे थे संविधान को लेकर के, प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर के, तो उस समय उनकी भाव भंगिमा जो थी वो देखने लायक थी। और जो चेयर पर बैठे हुए हैं सभापति महोदय, उनकी भी भाव भंगिमा देखने लायक थी कि किस तरीके से विचलित हुए जा रहे थे खड़गे जी के वार से। तो खड़गे जी ने जो बातें की हैं समित्रा जी, तो ये बिल्कुल बात सही है कि आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था, ऑर्गेनाइजर में बाकायदा लेख लिखा गया था जिसका हवाला खड़गे जी ने दिया, और इतना ही नहीं बल्कि ये तक कहा गया था कि जब हमारे पास मनुस्मृति है तो इस संविधान की जरूरत क्या है, ये तक कहा गया। और उससे पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ समित्रा जी, जब उसके बाद 7 दिन के बाद ही ठीक 22 अगस्त मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है ठीक से 22 अगस्त 1947 को पंजाब के फगवाड़ा में गुरु गोलवरकर ने कहा कि ये जो अभी तक जो खुशियाँ मना रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं, ये कुछ दिनों में जो है वो मिन्नतें करते हुए नजर आएंगे कि अंग्रेज वापस लौट आए, ये कहना था गुरु गोलवरकर का। यानी इन्होंने आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया, जब आज़ादी मिली तो इन्होंने आज़ादी का विरोध किया, जब संविधान लागू हुआ तो इन्होंने संविधान का विरोध किया, जब हिंदू कोर्ट बिल पे बहस हो रही थी और डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के आना चाहते थे, उस समय इन लोगों ने पूरे देश में जो है डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए, पंडित नेहरू के पुतले जलाए और उसको लागू नहीं होने दिया हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के। उसी पर फिर डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तीफा हुआ था। कल जो डॉक्टर अम्बेडकर के इस्तीफे की बात नरेंद्र मोदी लोकसभा में कर रहे थे, वो इस्तीफा पंडित नेहरू की वजह से नहीं बल्कि आरएसएस और जनसंघ की वजह से हुआ कि हिंदू कोर्ट बिल को लागू नहीं करने दिया जा रहा है, उसको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। बहुत सारी बातें हैं जिसका पहले भी कई बार जवाब दिया जा चुका है। नरेंद्र मोदी अगर दिन में 100 बार झूठ बोलेंगे, हालांकि झूठ असंसदीय शब्द है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज भी झूठ बोला, झूठ शब्द का इस्तेमाल किया राज्यसभा में, और कल भी जो था झूठ शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसलिए असंसदीय नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने झूठ बोले हैं संविधान को लेकर के, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, बाबू जगजीवन राम को लेकर के, जो भी झूठ बोले हैं उनके पहले भी कई बार जवाब दिए जा चुके हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बाहर आकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोनिया गांधी साथ में मौजूद थी, शरद पवार भी साथ में मौजूद थे, और शरद पवार ने यह कहा कि चूंकि जब एलओपी अपनी बात रखना चाहते थे तो एलओपी को अपनी बात नहीं रखने दी गई, और सभापति की तरफ से लगातार जो था वो प्रधानमंत्री को ही बात सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की बात सुनना कोई बाध्यता नहीं है। अगर विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है तो विपक्ष की बात प्रधानमंत्री को भी सुननी पड़ेगी और सदन को भी सुननी पड़ेगी, लेकिन सभापति जिस तरीके से सदन का संचालन कर रहे थे वो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि वो, जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, 25 साल पहले जो थे वो स्वयंसेवक हो गए थे, तो वो स्वयंसेवक के तरीके से सदन को संचालित कर रहे थे, कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बाहर आकर के बातें कहीं, संविधान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से हमले किए, जो बातें कहीं, उससे समित्रा जी बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आता है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर
संविधान को लेकर के आत्मरक्षा की मुद्रा में थे और कहीं से भी अटैकिंग मुद्रा में नहीं दिखाई पड़ रहे थे, हालांकि वो कोशिश कर रहे थे ये बताने की शायद जैसे वो अटैक कर रहे हों। तो संविधान को लेकर के जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान, जिस तरीके से हमले हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उससे भारतीय जनता पार्टी बचाव के मुद्दा में है। आज ही भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व सांसद हैं, जो अभी हारे हैं लोकसभा चुनाव, अखिलेश यादव के सामने कन्नौज से, उनका एक इंटरव्यू सर मित्राजी के अंग्रेजी के अखबार में आया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि जो पेपर लीक का मसला था उसने और संविधान को प्रश्न ने उनको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये उनका साफ तौर पे कहना है। यानी कि जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, जिस तरीके से आज गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में बोलने नहीं दिया गया, मोदी हैं इसलिए संविधान को खतरा है, तो ये बात निश्चित तौर पर यह साबित हो रही है कि, और इसको भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, उसके लोग समझ रहे हैं, मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था, उस 400 पार के नारे की वजह से यह संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और आज भी यह खतरा मौजूद है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान को खतरा मौजूद है। ये बात अब लोगों के मन में चली गई है और मुझे लगता है कि इस बात का नरेंद्र मोदी जो है इससे काफ़ी विचलित दिखाई पड़ रहे थे और आत्मरक्षा की मुद्रा में थे और बाबा ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान को जो है उनसे कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से संविधान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो जिस मंशा के साथ चुनाव में उतरे थे और जनता ने जिस मंशा के साथ नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं दिया और 240 पे भारतीय जनता पार्टी को ला करके पटक दिया, उससे वो ये साफ तौर पर समझ रहे हैं कि जनता ने संविधान को बचाने के लिए जनादेश दिया है और उस जनादेश का अब भी वो सम्मान करना नहीं चाहते हैं। लगातार ये बातें कर रहे हैं। जो मणिपुर की सुमित्रा जी बात कर रहे थे, आज ही जिस समय प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए उससे थोड़ी ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर के बहुत सख्त टिप्पणी की। हमने अभी जो हम लाइव कर रहे थे उसमें बताया भी था कि जस्टिस जी बी पारदीवाला जो है उन्होंने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा स्टेट के वकील से कि मिस्टर एडवोकेट हमें राज्य पर भरोसा नहीं है, घायल को अस्पताल इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय का था, हमने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और अगर इस पर कुछ हीला हवाली मिलती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप समझ रहे हैं ना। ये शब्द जस्टिस जेबी पारदीवाला के थे सर मित्रा जी सुनवाई करते हुए। तो यानी नरेंद्र मोदी जिस बात को लेकर के मणिपुर के जो कर रहे कह रहे थे उसका सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से संज्ञान लिया है, आज ही लिया है, ये बात सामने आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी क्या बातें करना चाहते हैं, मतलब देश को गुमराह करना आप किस तरीके से चाहते हैं। अगर इतना अच्छा है तो 14 महीने हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए, आप 14 सेकेंड का समय मणिपुर जाने का नहीं निकाल पाते हैं, तो ये किस क्या है। अगर आपकी इतनी अच्छी बात है और आपकी बात को सारा देश मानता है, आप कहते हैं ताली थाली बजाओ तो देश ताली थाली बजाने लग जाता है, तो मणिपुर में क्यों नहीं उठा। आप जैसे कहा गया कि आपने वार रुकवा दी थी तो आपने रूस और यूक्रेन की तो वार रुकवा दी, लेकिन आप मणिपुर में जो है जो आपके देश में है आप वहाँ के हालात काबू नहीं कर पा रहे। तो ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की मणिपुर को लेकर के जो स्थिति थी वो रही और नरेंद्र मोदी लगातार बचाव की मुद्रा में थे। वो जो उनका स्वभाव है उस तरीके से हमले तो करना चाहते थे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर उनके हमले भी कारगर साबित होते हुए दिखाई नहीं पड़े और सोशल मीडिया पे उनके भक्त जो हैं सर मित्रा जी वही कह रहे हैं कि मोदी जी लगातार जो पुराना बाजा बजा रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनके भक्त हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि ताकि उनको हाइप मिल जाए उन भक्तों को, तो वो भक्त जो है जो अभी तक मोदी जी की करते थे वो कह रहे थे कि साहब मोदी जी लगातार जो है वो पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, विपक्ष जो है वो हर 15 मिनट पर नए मुद्दे ला करके सरकार को घेर रहा है और सरकार के पास उसके जवाब नहीं है, ये उनके भक्त जो है वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, लोग चाहे तो जाकर के देख सकते हैं सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, मोदी जी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने शब्दों से यानी शाब्दिक बाण को चलाकर मतलब विपक्ष को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार शायद वो ये भूल चुके हैं कि विपक्ष के पास इस बार जनादेश की ढाल भी है, एक ऐसी ढाल जिसके बूते 240 सीटें करीब करीब विपक्ष की है। माफ कीजिए अगर मैं गलत हूँ तो मेरे आंकड़े सुधार दीजिएगा कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष को मिलकर कितनी सीटें लोकसभा में है, लेकिन इस बार माफ कीजिए इंडिया गठबंधन की 237 जी 237 240 बोल रही थी मैं, तो 237 सीटें हैं और इसके अलावा जिस तरीके से राज्यसभा में भी विपक्ष एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो उनके पूरे हमले थे गांधी परिवार पर,
आज भी उनकी पूरी कोशिश रही कि वो गांधी परिवार को ही निशाने पर ले, राहुल गांधी को निशाने पर ले और उस बहाने पूरे विपक्ष को निशाने पर ले, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आज विपक्ष ने जिस तरह से वॉकआउट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा उसको हमने सुना, एक बार फिर संघ का यहाँ पर पर्दाफाश होता हुआ नजर आया। और जब जब बीजेपी संविधान की बात उठाएगी या लोकतंत्र की बात उठाएगी तब तक कांग्रेस और बाकी दल उसे संघ की भूमिका याद दिलाएंगे। जो कुछ संघ ने मतलब आजादी की लड़ाई में उसका कोई योगदान नहीं रहा, माफी मांगने वाला चैप्टर अलग ही है जिस पर बीजेपी बार बार घिर जाती है, गांधी हत्या का प्रसंग है जिस पर बीजेपी घिरती रही है, गोडसे मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत आज तक बीजेपी के नेता खुलकर नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन उनको इस बात से तकलीफ है कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से सरकार के सामने झुकती नहीं है और सरकार की बातों का विरोध करती है। और अमरिंदर जी यहाँ पर हमें इस साल ये जो नई सरकार बनी इसमें एक नया पैटर्न देखने मिल रहा है। आप याद करिए कि जब मोदी सत्ता में आए थे 2014 में तब उन्होंने धीरे धीरे करके कांग्रेस के जो भी महापुरुष थे उनको अपनी ओर दिखाने की कोशिश की थी, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की बात हो, चाहे गांधी जी के चश्मे को स्वच्छता अभियान में इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे बोस को लेकर, मतलब उनको तो सुभाष चंद्र बोस को अब इंडिया गेट में जिस तरीके से वहां पर लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई। तो बीजेपी की ये कोशिश रही कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं नेहरू जी के अलावा उन सबको वो किसी तरह अपने पाले में कर ले। इस बार उसके निशाने पर क्या बाबा अम्बेडकर हैं, वो बाबा अम्बेडकर जिनकी दीक्षा भूमि के बारे में नागपुर में ये खबर है कि वहां पर उसकी जो जमीन है कई एकड़ की वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने की खबर थी और अभी उसको रोक दिया गया, फिर वहां पर छावनी जैसा माहौल बन गया क्योंकि लोगों ने विरोध किया है। ये पूरा खेल जो चल रहा है क्या अंबेडकर अंबेडकर नाम लेकर पीछे से अंबेडकर की सोच को खत्म करने का खेल चल रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो अभी पहली बार संसद में पहुंचे हैं उन्होंने भी ये सब बातें कही कि किस तरह आज भी दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से जो समाज के दलित पिछड़े वर्ग हैं उनको कैसी प्रताड़नाएं मिल रही हैं, कितना उनको बार बार ये भेदभाव सहना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी केवल संविधान की बात करके और अंबेडकर को एक फिर महान नेता या उनको भगवान का दर्जा देकर क्या वो इस लड़ाई का मुकाबला बराबरी से कर सकते हैं अमरिंदर जी? देखिए समित्रा जी, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार एक तरीके से कहा जाए वो एक अभियान चलाती रहती है कि किस तरीके से वो डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करती है और किस तरीके से मतलब अभियान ये चलाती है सम्मान कम कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया या क्या किया, इस तरीके आज भी नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बातें की। जैसा आपने कहा कि पहले दूसरे महापुरुषों को कांग्रेस की अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, जैसा पटेल की मूर्ति लगवा दी गई कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे थे, इस तरह की बातें करनी, फिर ये कहा गया कि ये तो सारे देश के थे। अरे भाई, अगर लाल बहादुर शास्त्री सारे देश के थे और सरदार पटेल सारे देश के थे तो पंडित नेहरू भी सारे देश के थे। सरदार पटेल सारे देश के हो जाएंगे लेकिन नेहरू सारे देश के नहीं होंगे, इंदिरा गांधी सारे देश की नहीं होंगी, राजीव गांधी सारे देश के नहीं होंगे, लेकिन पटेल और शास्त्री जो वो सारे देश के हो जाएंगे। तो भाई अगर पटेल और नेहरू सारे पटेल और शास्त्री का सारे देश के हैं तो नेहरू इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी सारे देश के हैं। तो ये इन्होंने कोशिश किया था और आपको याद होगा कि जब कल राज्यसभा में बोल रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, तो सुधांशु त्रिवेदी ने भी जो था वो यही कहा कि साहब हमारे समय में जो था वो भारत रत्न दिया गया प्रणब मुखर्जी को और किस किस को, इस तरह की उन बातें की, पटेल की हमने मूर्ति लगवाई, ये सारी बातें कि हमने इनके महापुरुषों को भी सम्मान दिया। ये तो भाई महापुरुष इनके और उनके नहीं होते, अगर महापुरुष हैं तो ये जो है, तो अब ये जो कोशिशें कर रहे हैं तो असल में दिक्कत ये है समित्रा जी कि इनके पास पूरा इतिहास खंगालने के बाद इनको एक व्यक्ति नहीं मिलता है जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, तो इनको दूसरे के लोगों को लेकर के कहना पड़ता है कि साहब इनके महापुरुष थे तो हम इनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में जो लगातार रहता गोटसे ही है, ये बात बार बार सामने आती है। अब ये कहना कि गांधी को सम्मान तब मिला, गांधी को दुनिया तब जानी जब कोई मूवी उनके ऊपर बनी, तो ये भी दिल का गोट से जो बाहर निकल कर के आया था समित्रा जी इन शब्दों के जरिए। तो ये कुल जिस तरीके से करने की कोशिशें की गई, तो अब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जो बातें करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया क्या नहीं किया, डॉक्टर अंबेडकर की सारी राइटिंग्स जो है वो उपलब्ध हैं और महाराष्ट्र सरकार का जो प्रकाशन विभाग है समित्रा जी उसी ने उनके कई वॉल्यूम्स में छापा है और क्या क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये तक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो मोदी जी क्या आप इसको मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं मोदी जी आप भी वो प्रतिज्ञा करेंगे?
उन 22 प्रतिज्ञाओं का नाम लेने पे जो है विश्वविद्यालयों में छात्रों को निलंबित कर दिया जाता है, बर्खास्त उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है, ये आप क्या हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो करना चाहते हैं असल में जिस तरीके से करना चाहते हैं ये बचाव की एक मुद्रा है। और सुमित्रा जी, हम फिर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी अगर किसी चीज़ का बार-बार नाम लेते हैं और बड़ी उसके प्रति यदि श्रद्धा दिखाते हैं तो समझ लीजिए उसके ऊपर खतरा है। संविधान को जिस तरीके से नमन किया गया तो संविधान के ऊपर खतरा है, ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर की के ऊपर भी अब कोई खतरा है ये समझ में आ रहा है सुमित्रा जी। पटेल के ऊपर खतरे आए वो तो हमने देखे किस तरीके से आया, तो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर भी कोई खतरा है, अब वो खतरा किस रूप में सामने आता है ये देखना है। एक चीज़ तो सामने आ गई कि जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को जो है लोग वहाँ से संसद भवन जो है वहाँ से हटाया गया और उसको दूसरी जगह स्थापित किया गया, तो एक खतरे की शुरुआत हो गई। और इसको लेकर के कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए कि भाई ये कमेटी होती है वो कमेटी तय करती है कि किसकी प्रतिमा कहाँ लगेगी, किसका चित्र कहाँ लगेगा, उस कमेटी में कोई विचार नहीं हुआ तो ये किसके आदेश से हटा दिए गए, ये सवाल है। तो बहुत सारे संविधान को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, ये सारा देश देख रहा है। और जिस तरीके से नए जो कानून लागू हुए हैं जिनको न्याय संहिता नाम दिया गया है, लोग उसको न्याय संहिता कह रहे हैं, उसको देखिए सुमित्रा जी की उसकी पहली FIR जो होती है वो एक गरीब रेहड़ी वाले के ऊपर होती है। तो आज भी जो है मुझे लगता है, शायद मैं सुन रहा था जब प्रधानमंत्री को, मुझे लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों के खिलाफ है इस तरीके को उनके मुँह से निकला, अब मैं उसको दोबारा जब सुनूंगा सुमित्रा जी तब मैं देखूंगा कि उन्होंने ये कहा, उसके बाद काफ़ी हल्ला मचा, फिर उनका कि गरीबी के खिलाफ है उसको उन्होंने दोहराया, तो अब ये देखना होगा कि उन्होंने ये कहा गरीबों के खिलाफ है या गरीबी के खिलाफ है, तो उसको दोबारा जब रिवाइंड करके सुना जाएगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरा ध्यान जो गया वो ये गया शायद उनका ये सरकार गरीबों के खिलाफ है, उस पर काफ़ी हल्ला भी हुआ था, तो अब ये अब उनके मन से निकली हुई बात थी या टंग ऑफ स्लिप था, तो ये अब कह नहीं मतलब कहा नहीं आ सकता, लेकिन वो जो मुझे सुनाई दिया वो ये सुनाई दिया कि सरकार गरीबों के खिलाफ है। तो अब वो उनके मुंह से निकला या नहीं निकला, लेकिन असली बात समझता यही है कि ये सरकार खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ये गरीबों के भी खिलाफ है और सारे काम जो किए जा रहे हैं वो संविधान को ताक पर रख करके किए जा रहे हैं, ये बात विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है इस तरीके के। और ये सरकार जो है इसको कहीं ना कहीं साबित करती हुई नजर आती है, बातें भले ही कुछ करती हुई। सुमित्रा जी बिल्कुल, संविधान को लेकर मोदी इस समय बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं और अपने बचाव में वो चाहे जितने बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले ले, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वो गरीबों के खिलाफ, अगर उनके मुंह से अगर ये बात जुबान फिसलने के कारण भी निकली हो, लेकिन ऐसी जुबान उनकी एक समय बेटी बचाओ नारे को लेकर भी फिसल गई थी, खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि संविधान को लेकर जितने बार भी मोदी बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कुछ बोलते हैं उतना ही ज्यादा वो घिर जाते हैं। हमने देखा कि जब वो शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उनको संविधान की प्रति या जय संविधान बोलने पे ही उन लोगों को कितनी आपत्ति हो जाती है। ओम बिरला इस चीज को लेकर टोक चुके हैं। यहाँ पर राज्यसभा सभापति जो है वो ये बोल रहे हैं कि मैं संघ का एकलव्य हूँ। अमरेंदु जी, क्या ये सारी बातें सबसे पहले क्या संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ यही नहीं है, और क्या प्रधानमंत्री को सबसे पहले इन्हीं बातों की ओर नहीं इंगित करना चाहिए था? और उससे भी पहले जब राष्ट्रपति महोदया उनको दही चीनी खिला रही थी तब क्या उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए नहीं कह देना चाहिए था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान की भावना के खिलाफ होगा? या फिर संजय राउत ने कल जो कहा सदन में कि भाई अगर प्रधानमंत्री को वो दही चीनी खिला सकती हैं तो राहुल गांधी को भी बुलाकर खिला देना चाहिए था, फिर दोनों हिसाब बराबर हो जाता। तो सभापति जी ने उनको टोक दिया कि नहीं नहीं, आप राष्ट्रपति के उस पर कुछ भी मत बोलिए और यहाँ पर वो चीज लागू नहीं होगी। उस समय जो संधि पर बैठे थे उन्होंने इसको टोक दिया, मेरा ख्याल घनश्याम तिवाड़ी जी थे। तो ये सारी बातें जो चल रही है, क्या यहाँ पर हम सबसे पहले यही नहीं देख रहे कि संसद के भीतर ही संविधान को लेकर एक विरोधी माहौल बन गया है और खतरा यहीं से दिखना शुरू हो गया है? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी पहले उन्होंने लाल किले पे कहा मैं तीसरी बार आऊंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा, वो एकदम से लोकतंत्र और संविधान विरोधी बात थी क्योंकि वहां पर तो अभी चुनाव हुए नहीं और आपने ऐलान कर दिया। आज उन्होंने संसद के भीतर खड़े होकर कह दिया कि 20 साल अभी और हमारे लिए बाकी है। मतलब ये एक तरह से क्या तानाशाही वाली बात वो नहीं कर रहे, एक ऐलान इसको नहीं समझा जाना चाहिए? निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, वो लगातार तानाशाही के संकेत देते हैं और लोग तो जो है सुमित्रा जी ये तुलना करते हैं कि मोदी जी में और हिटलर में क्या समानताएं हैं। जस्टिस काटजू हैं, उन्होंने भी एक लेख लिखा कि मोदी और हिटलर में क्या समानताएं हैं, बड़ा छोटा सा हालांकि लिखता है कि उन्होंने कई समानताएं जो थी वो चित्रित करने की कोशिश की। तो अब मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी में और हिटलर में कोई समानताएं हैं कि नहीं है, लेकिन लोग इस तरीके की बातें जो करते हैं तो अब ये समझ में नहीं आता कि लोग इस तरीके की बातें करते क्यों। कहीं ना कहीं सुमित्रा जी कोई ना कोई बात तो होगी जिसकी वजह से
लोगों को लगता है कि शायद मोदी जी में कोई तानाशाह बैठा हुआ है किस तरीके का, क्योंकि राहुल गांधी ने जब समित्रा जी सभा में मतलब अपना भाषण के दौरान लोकसभा में जब कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपके यहाँ जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और आपके बोलने पर पाबंदी है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस जो था वो सत्ता पक्ष की तरफ था और किसी ने भी उठकर के ये नहीं कहा कि हमको बोलने की आज़ादी है और मोदी जी के सामने बोल सकते हैं, किसी ने भी इस बात को नहीं कहा। यहाँ तक कि गडकरी जी और राजनाथ जी जो हैं वो भी उठ करके खड़े नहीं हुए, अमित शाह भी खड़े नहीं हुए कि वो कहेंगे हमको भी बोलने की आज़ादी है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और नरेंद्र मोदी जिस तरीके का मुजाहिरा करते हैं वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं उनकी भावभंगिमा से भी लगता है कि शायद वो बहुत कोई पहलवान टाइप के व्यक्ति हैं, पता नहीं उन्होंने कभी कुश्ती लड़ी है कि नहीं लड़ी है सम्मित्रा जी, हालांकि उनका दावा रहा है कि वो 56 इंच की छाती है उनकी, तो वो उनका दावा अपनी जगह पर, लेकिन आजकल बातें नहीं हो रही है 56 इंच की छाती की, हालांकि आज भी उन्होंने कल भी उन्होंने चेतावनी तो दी है विपक्ष को कि वो किस तरीके से अपना काम करेंगे किस तरीके से अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन वो एक तरीके से कहा जाए तो वो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि साहब वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ ही जो है इंडिया गठबंधन एकजुट है, तो वो तो सुमित्रा जी देखिए सदन की कार्रवाई को देखते हुए, प्रधानमंत्री के भाषण को देखते हुए, प्रधानमंत्री के भाषणों में जो तथ्य हैं जो कथ्य हैं उनको देखते हुए ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने तानाशाह होने का हल्की सी एक झलक दे रहे हैं कि हम जो है तानाशाह हैं और आप हमको तानाशाह मानिए, शायद वो ऐसा कहना चाहते हो, पता नहीं वैसा कहना चाहते हैं नहीं कहना चाहते, क्योंकि बार बार दुहाई तो लोकतंत्र की दे रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे, तो दुहाई संविधान की लोकतंत्र की दिए थे। हिटलर भी जब आया था सुमित्रा जी जर्मनी में सत्ता में जब आया था तो चुनाव के जरिए ही आया था, ऐसा नहीं कि वो आसमान से चपक पड़ा था, तो किस तरीके से लोकतंत्र के जरिए भी तानाशाह बना करते हैं ये हैं। पुतिन भी जो थे वो चुनाव जीत करके ही आए थे, ऐसा नहीं है कि वो भी आसमान से कोई टपक पड़े थे, वो चुनाव जीत करके ही आए थे और उनको भी तानाशाह की अब संज्ञा दी जा रही है। तो अब अच्छा पुतिन से दोस्ती भी अच्छी है मोदी जी की, वार रुकवा देते हैं पुतिन से बात करके तो ये बताया जाता है कि वार रुक जाती है, तो अब वो दोस्तियों का कितना प्रभाव पड़ रहा है कितना नहीं पड़ रहा है वो तो एक अलग का मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरीके का कोई छवि देते हैं कि वो तानाशाह हैं तो अब ये समझ में निश्चित तौर पर आ गया होगा सुमित्रा जी कि विपक्ष बहुत ताकतवर है, और कल जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा में प्रधानमंत्री को बोलने के दौरान जिस तरीके के नारे लगाए, जिस तरीके से उन्होंने मांगे रखी जनता की नीट को लेकर के, मणिपुर को लेकर के, संविधान को लेकर के जो सारी बातें रखी, उससे प्रधानमंत्री को ये समझ जाना चाहिए कि अब 2014 और 2019 नहीं है, 2024 है, चेक बैलेंस की स्थिति जो 14-19 में नहीं थी वो अब चेक बैलेंस की स्थिति है, आप अब जो है सदन के सत्र छोटे करेंगे, निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जिस तरीके से आपने बातें रखी चाहे वो लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में, इससे साफ समझा जा सकता है कि अब सदन के सत्र जो है वो छोटे हुआ करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में विपक्ष का सामना करने की स्थिति में नहीं है, और अगर इस स्थिति में नहीं है तो वो सदन नहीं चले ये चाहेंगे, और जो मजबूरी है 6 महीने में मतलब संसद को बुलाए जाने की या शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की या मानसून सत्र बुलाए जाने की या ग्रीष्मकालीन सत्र बुलाए जाने की, तो वो मजबूरी में सत्र बुलाए जाएंगे लेकिन उन सत्रों की अवधि छोटी होगी और कानून पास कराने में भी अब आसानी नहीं होगी, अगर आपको अब कोई कानून पास कराने होंगे तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में फिर से उसी तरीके से सांसदों को निलंबित करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने पिछली कार्यकाल में किए हैं, तो अब वो होगा नहीं होगा या देखा जाएगा, चूंकि विपक्ष बहुत ताकतवर है, लेकिन प्रधानमंत्री ये एक तरीके से आभास तो देते हैं कि शायद वो कोई तानाशाह हो। सुमित्रा जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री लगातार अभी भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनसे बड़ा उनसे ताकतवर इस समय कोई नहीं है और विपक्ष की आवाज को वो बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं, और ये बात संसद के पहले दिन से ही समझ में आ रही है, और जब राहुल गांधी ने भी बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखी थी तो बीच में उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे ये लोकतंत्र ने सिखाया है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करना चाहिए, और इतना बोलकर वो बैठ गए थे, तो मोदी जी ने तभी बता दिया था कि उनके मन में ना नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई सम्मान है ना विपक्ष के लिए कोई सम्मान है, और वो विपक्ष की बातों को अभी भी बहुत हल्के तरीके से ही ले रहे हैं। पिछले दफा भी यानी पिछले कार्यकाल में उन्होंने मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं की, इस बार राहुल गांधी ने नीट पर वो लगातार पहले दिन से ही बात रख रहे हैं कि आप चर्चा करिए, उन्होंने अब प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया कि आप एक दिन चर्चा के लिए निकालिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने चर्चा का कोई वक्त दिया नहीं, और आज उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है नीट पर। अमरिंदर जी, संविधान को लेकर मोदी जी का झूठ, मणिपुर को लेकर मोदी जी का झूठ, ये सब सामने आ रहा है, अब नीट परीक्षा को लेकर या देश के विकास को लेकर जितनी बातें वो कर रहे हैं
क्योंकि खड़गे जी ने वॉकआउट करने का जो फैसला लिया उसके पीछे वो यही बता रहे हैं कि हम जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उन मुद्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं है प्रधानमंत्री के भाषण में, और वो अपनी अपनी हाके जा रहे हैं। अब इस तरह से नीट को लेकर भी उन्होंने जो बातें कही, या भ्रष्टाचार को लेकर, अब उनको मोदी जी को इस बात से भी तकलीफ है कि इंडिया गठबंधन एक क्यों है, क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा कि आप भ्रष्टाचार करता और कांग्रेस उसको वो बचाने के लिए वो सारी बातें करती है और मुझे गलत बताती, ये सब उन्होंने कहा। तो इसको लेकर अभी जो आपके राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जो लौट आए हैं वापस संसद में, उन्होंने भी आज कुछ बातें कही। क्या बुनियाद भाषण, ये हेडलाइन बना दी है संजय सिंह ने, साफ साफ ये कह दिया है कि जिन बातों पर हम चर्चा करना चाह रहे थे लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था, बार बार रोका जा रहा था, और यहाँ राज्यसभा में भी वही हाल रहा। ये जो अमरेंदु जी ये जो माहौल बता रहा है, क्योंकि कल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में कहा था कि मेरे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनका ये कहना है कि डरो मत, वो बाइट हमने सुनाई थी। आज संजय सिंह जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या ये सारे दृश्य अब मोदी जी को बहुत और परेशान करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब संसद तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, मतलब अब अगला जो है मानसून सत्र होगा, फिर अब उसके बाद शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, और इन तमाम सत्रों में मोदी सरकार फिर से कोशिश करेगी कि जिन कानूनों को वो पिछले बार नहीं बना पाई उनको वो बनाए, लेकिन क्या इस बार उसके लिए आसान होगा, क्योंकि विपक्ष ने बता दिया है कि आगाज ऐसा ही है, अंजाम आप क्या होगा ये भुगतने के लिए तैयार रही है, क्या लगता है अमरिंदर जी? देखिए समित्रा जी, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया, मुझे लगता है आ गया होगा प्रधानमंत्री को समझ में, ऐसा नहीं कि वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जो बात बात आज जैसे राज्यसभा में उन्होंने कहा कि साहब ये सच को सुनना नहीं चाहते, मैं तो सच कह रहा हूँ, इस तरह की जो बातें उन्होंने की, इसका मतलब ये समझ में आ गया उनको कि विपक्ष अब बहुत तगड़ा है और प्रधानमंत्री की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस उसको बचाती है, और पहले ये कहते थे वो कहते थे, तो भाई मोदी जी आप क्यों भूल जाते हैं कि आप 2019 में चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या कह के आए थे? आप बताइए, आपको याद है कि नहीं याद है? नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या क्या कहा था, आपने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहा था, और नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में खड़ा होकर के आरएसएस के लिए क्या क्या कहा था? जगदीप धनखड़ जी जरा याद कर लें, जब आरएसएस को याद कर रहे थे, एकलव्य बता रहे थे अपने को, नीतीश कुमार ने आरएसएस के लिए क्या कहा था कि इनका आजादी में कोई योगदान नहीं है, क्या क्या सारी बातें उन्होंने कही थी, सारी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, अलग से नहीं है। और खुद जगदीप धनखड़ ने कल, जैसे हमने बताया था समिता जी, के समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं जावेद अली खान, उन्होंने जगदीप धनखड़ का ही 1995 का राजस्थान विधानसभा में दिया हुआ वक्तव्य जो वो ट्वीट किया, तो जगदीप धनखड़ साहब आरएसएस के बारे में क्या कर रहे थे ये भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से, तो ये अब समझ में आ गया है प्रधानमंत्री को भी, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया। और कल तो लोकसभा में जिस तरीके से, मतलब कल परसों, मतलब जब राहुल गांधी बोल रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को दोबारा उठ के खड़ा होना पड़ा, गृहमंत्री को खड़ा होना पड़ा, भूपेंद्र यादव को खड़ा होना पड़ा, राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान को खड़ा होना पड़ा, निशिकांत दुबे को बार बार जो थी वो रूल बुक निकाल करके लानी पड़ी, इस सबसे एक चीज़ तो साबित हुई समिता जी। और अमित शाह को कहना पड़ा स्पीकर को कि साहब आप हमें संरक्षण दीजिए, आप उनको बोलने दे रहे हैं लगातार, उस तरीके से कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ आई, तो एक बात तो समझ में आ गई कि विपक्ष अब कमज़ोर नहीं है और प्रधानमंत्री की विभाजनकारी नीति का विपक्ष के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपातकाल को लेके लोकसभा में भी बोले मोदी जी, राज्यसभा में भी बोले मोदी जी, और जो आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे, यानी आरजेडी, जिसमें आप कहा जा सकता है कि उस धारा की जयप्रकाश नारायण की और लालू प्रसाद यादव तो उसके बाकायदा संयोजक थे, उन्होंने अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा आपातकाल को लेकर के, हम लोगों ने बताया ही था, आप इसी कार्यक्रम में बताया था कि लालू प्रसाद यादव ने क्या लेख लिखा। आज ही उनकी पुत्री जो है मीसा भारती, उनका बयान है कि भाई इंदिरा गांधी ने 77 से लेकर और 80 के बीच में 3 बार उसको लेकर के माफ़ी मांगी और जनता ने उनको फिर वापस लेकर के आई जनता, तो आप कौन होते हो? अब फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने देखा है कैसा था उसका समय आपातकाल का, तो प्रधानमंत्री जी अगर आपने देखा था आपातकाल का समय कैसा था तो आप आपातकाल में कहाँ थे देश को बताइए, आप कौन सी जेल में बंद थे, आडवाणी जी के साथ बंद थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में बंद थे कि अरुण जेटली के साथ बंद थे? एक वो पत्रकार है रजत शर्मा, उन्होंने भी लिखा कि वो जेल में बंद थे, तो हमने तो उनसे पूछा क्या मोदी जी आपके साथ ही बंद थे जेल में, तो उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने ट्विटर पे, तो क्या किसके साथ जेल में बंद थे बताइए, क्योंकि आपने बताया था जब आप बांग्लादेश गए थे कि 1971 में बांग्लादेश के लिए आंदोलन हुआ था तो आप सत्याग्रह में आप जेल गए थे, तो आप 71 में बांग्लादेश के लिए आप जो थे वो जेल चले गए थे, तो भाई आप जब आपके सारे लोग जो थे जा रहे थे जेल इमरजेंसी में तो आप कहाँ थे? और दूसरी बात यह सविता जी कि इमरजेंसी में
आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ या जनसंघ का कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी का विरोध करते हुए एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया, एक भी नहीं गया। जो भी जेल गए थे वो खुद पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और जेलों में पहुंचा दिए गए थे और सब वहां से माफी मांग करके पहुंचे थे, सब नहीं अधिकांश वहां से माफी मांग करके पहुंचे थे, एक दो को छोड़ करके। उसमें अडवाणी ने भी नहीं मांगी थी और अटल जी ने भी नहीं मांगी थी, बाकी अधिकांश जो थे वो जेलों से माफी मांग करके छूटे थे, कनस्तर भर भर जाते थे, जेलों में माफीनामे लिखते थे। बाला साहब देवरस ने खुद जो था वो विनोबा भावे को कई पत्र लिखे, इंदिरा गांधी को लिखे, और जो टी वी राजेश्वर राव जो उस समय रॉ के मुखिया रहे थे, रॉ के आई बी के और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे, उनकी बाकायदा किताब है कि आरएसएस ने उस समय क्या किया, देवरस ने किस तरीके से विनोबा भावे को लिखा पत्र, और अनुशासन पर्व जो आपातकाल को नाम दिया वो इन्होंने ही दिया महाराज ने, बाला साहब देवरस ने। इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को कहा कि हम इसको सफल बनाएंगे। और सर्वमित्रा जी ये खुद जो है वो राम माधव का एक लेख है कि 1984 में और 2014 में उन्होंने जो है वो राजनीति में हिस्सा लिया, और ये बताना चाहते हैं कि साहब उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया 1984 में। तो अब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का 84 को लेकर के कोई सवाल कांग्रेस के ऊपर उठाती है तो ये भी बताया कि आपने 84 में कांग्रेस का समर्थन क्यों किया था। नानाजी देशमुख का बाकायदा लेख छपा, प्रतिपक्ष जो जॉर्ज फर्नांडिस का अखबार है उसमें छपा, सुमित्रा जी नवंबर 1984 में छपा, गुरु नानक पर्व के दिन छपा वो उसका, और जहाँ तक मुझे तारीख याद पड़ रही है वो 9 नवंबर 1984 था उसका। और उन्हें जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह को जो था वो सारी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, और उन्होंने जो था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन किया, और 1984 में जो कुछ हुआ उसका समर्थन किया नानाजी देशमुख का, वो प्रतिपक्ष में छपा हुआ लेख है। तो ये सारी फिर चीज़ें उखड़ेंगी। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं, वो सब चीज़ें सामने निकल करके आएंगी। तो मोदी जी चूंकि आपका इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपको नहीं मालूम कि तक्षशिला कहाँ है, तो जो आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है उसमें घुसने की कोशिश मत कीजिए। आपकी इस तरीके की बातें आरएसएस को बहुत परेशानी में डालती हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बहुत परेशानी में डालती हैं। आप तो अपनी मन की बात कह कर के निकल जाते हैं, उसके बाद जो लोग जो इतिहास से कुरेद कुरेद के लाते हैं उससे आरएसएस शत विक्षत हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। तो महाराज अगर आपकी आरएसएस के साथ कोई दुश्मनी है तो वो पूरी उसके करने के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है कि आप आरएसएस को परेशानी में डालते हैं। लेकिन अगर आपकी आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है तो बराए मेहरबानी आरएसएस पर रहम कीजिए, इस तरह की चीजें निकाल करके मत लाया कीजिए जिससे आरएसएस के ऊपर कोई मुसीबतें आ जाए। सुमित्रा जी जी बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस का बचाव राज्यसभा में धनगढ़ जी करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी इस तरह से बोलते रहेंगे तो ये तय है कि उससे वो खुद मुश्किल में फंसेंगे, बीजेपी मुश्किल में फंसेगी और सबसे ज्यादा संघ मुश्किल में फंसेगा, क्योंकि अगले साल उसको मनाना है अपना शताब्दी वर्ष, लेकिन उसके पहले ही अगर मोदी जी उसकी जड़ें इतनी खोद देंगे और इतनी सारी इतिहास की बातें निकालेंगे, क्योंकि अमरेंद्र जी जितने बार आपातकाल बोलते रहेंगे बीजेपी के नेता, पहले दिन से मोदी जी ने ये शुरू कर दिया, उसके बाद संसद के भीतर लोकसभा के भीतर अमित शाह ने और बाकी नेताओं ने भी आपातकाल का जिक्र करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब भी वो 50 साल पुरानी बात निकालेंगे तो आज की उससे तुलना होने लगेगी। उस समय क्या हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये सारी तुलनाएं होने लगेंगी। और सोशल मीडिया के दौर में कोई भी चीज कहीं भी छुप नहीं सकती है, ये बिल्कुल तय है। तो कल से लेकर आज तक मोदी जी लगातार दिखे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, अपना बचाव करने की कोशिश उन्होंने की, कल के अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने 2014 के अपने उससे की थी, आज भी वो उसी तरह, अब वो 2050 तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा था कि 24x7 और हम 2047 तक का विजन लेकर चल रहे हैं और हम उसके लिए 24x7 काम करेंगे। ये सारी बातें यानी लफ्फाजी, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अभी भी चुनावी मोड से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन अब उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो फिर से बाकायदा संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बार वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मेहरबानी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो अगर उन्हें अपनी सत्ता बचाकर रखना है, इस सरकार का कार्यकाल पूरा करवाना है, तो उन्हें अब कामों पर ध्यान देना होगा। काम से ज्यादा अगर वो इंडिया गठबंधन पर ध्यान देंगे तो मेरा ख्याल है वो अपने लिए और मुसीबत खड़ी करेंगे। अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को अब हम यहीं रोकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।